हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में और मैं हूं आपका दोस्त प्रवीण कुमार बागड़े। आइए दोस्तों, डिस्कस करते हैं हम परीक्षा मंथन के पहले टॉपिक कंप्यूटर एक परिचय के तथ्य सार पर। आज हम डिस्कस करेंगे दोस्तों, मैं आपको 100% गारंटी दे रहा हूं दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आप ये जो जो भी एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन आए हैं SBI क्लर्क, रेलवे, बैंकिंग और CPCT में दोस्तों, उनसे रिलेटेड बहुत सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन्हें आप इस वीडियो को पूरा देखें और इससे आपको बहुत ही हेल्पफुल वीडियो होगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं तथ्य सार की ओर। तो दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं दोस्तों, पहला जो तथ्य है वो ये दिया हुआ है दोस्तों कि वह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को स्वीकार करती है, डेटा प्रोसेस करती है तथा आउटपुट उत्पन्न करती है और परिणामों को भविष्य में प्रयोग के लिए स्टोर करती है वह कहलाती है। तो दोस्तों ये पूरी कंप्यूटर की डेफिनेशन दी हुई है और मैं आपको बता दूं दोस्तों कि कंप्यूटर की जो डेफिनेशन है वो आपको मैंने बताया था कि एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और यह डेटा को इनपुट के रूप में लेती है और रिजल्ट के रूप में आउटपुट देती है। तो दोस्तों ये कंप्यूटर की डेफिनेशन है। तो दोस्तों कंप्यूटर के जो पिता हैं, यहाँ पे ये कॉम्पिटिशन एग्जाम्स का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो दोस्तों कंप्यूटर के पिता जो हैं वो हैं चार्ल्स बेबेज, कंप्यूटर के पिता हैं दोस्तों चार्ल्स बेबेज। और दोस्तों इसके आगे बढ़ते हैं सेकंड फैक्ट पे कि कंप्यूटर का प्रत्येक घटक या तो हार्डवेयर है या सॉफ्टवेयर है, जो कि मैंने आपको थ्योरी में बताया दोस्तों कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के दो घटक होते हैं। इसके बाद में कंप्यूटर के बुनियादी कार्य हैं, तो बेसिक कार्य जो होते हैं दोस्तों, कंप्यूटर के डेटा को स्वीकार करना मतलब इनपुट के रूप में लेना, डेटा को प्रोसेस करना मतलब कि CPU के द्वारा प्रोसेस किया जाता है, और डेटा और सूचना को स्टोर करना जो कि मेमोरी के द्वारा किया जाता है, और सूचना का विश्लेषण करना। तो ये सभी कार्य जो होते हैं कंप्यूटर के बेसिक कार्य होते हैं, जो कि इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग में मैंने लास्ट वीडियो में अच्छे से डिस्क्राइब किया है। इसके बाद अगले फैक्ट पे जाते हैं दोस्तों, वहाँ पर लिखा हुआ है तीसरा फैक्ट है इनपुट के कंप्यूटर प्रोसेसिंग का परिणाम होता है। तो जब हम कोई कीबोर्ड या माउस के द्वारा कंप्यूटर को इनपुट देते हैं तो उसकी जो प्रोसेसिंग होती है, रॉ डेटा की जो प्रोसेसिंग होती है, तो वो काय में बदल जाता है दोस्तों, आउटपुट में या रिजल्ट में या इन्फॉर्मेशन में। इसके बाद में दोस्तों कंप्यूटर का नेक्स्ट फैक्ट है कि कंप्यूटर प्रोसेस का बुनियादी लक्ष्य क्या है, मतलब कि बेसिक डेस्टिनेशन क्या है। तो ये है डेटा को सूचना में बदलना। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि कंप्यूटर के ब्लॉक डायग्राम में क्या होता है, इधर इनपुट होता है, उसके बाद में ये CPU होता है जहाँ पे प्रोसेस होती है, और उसके बाद में रिजल्ट आ जाता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट फैक्ट है कि कंप्यूटर डेटा एकत्र करते हैं, जिसका अर्थ है कि वे प्रयोक्ता को डेटा इनपुट करने देते हैं। इसका मतलब यह है दोस्तों कि कंप्यूटर डेटा को स्टोर करता है, इसीलिए तो वह प्रयोक्ता का मतलब यूज़र होता है दोस्तों, तो यूज़र को वो डेटा इनपुट करने देंगे तभी तो डेटा प्रोसेस होगा। इसके बाद में दोस्तों कंप्यूटर का प्रमुख कार्य है डेटा या सूचना का विश्लेषण करना, उसे प्रोसेस करना तथा स्टोर करना। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट फैक्ट पे जाते हैं। तो अर्थपूर्ण ढंग से व्यवस्थित या प्रस्तुत किए गए डेटा को कहते हैं। तो जब आपका डेटा व्यवस्थित हो जाता है या अर्थपूर्ण हो जाता है, मीनिंगफुल हो जाता है, मतलब कि CPU के द्वारा प्रोसेस हो जाता है, तो वो इन्फॉर्मेशन में बदल जाता है दोस्तों। इसके बाद में नेक्स्ट फैक्ट है आपका नॉन न्यूमेरिक डेटा का उदाहरण है। नॉन न्यूमेरिक डेटा मैंने आपको बताया था दोस्तों कि ये नंबर्स, अल्फाबेटिकल और स्पेशल कैरेक्टर्स का कॉम्बिनेशन होता है। तो ये कर्मचारी का पता होता है जो कि नॉन न्यूमेरिक होता है, वो नंबरों से व्यक्त नहीं किया जाता है। जैसे किसी कर्मचारी का पता है कि जो भी उसका पता है कि प्रेमनगर, बालाघाट, गली नंबर, ये जो भी है, इस टाइप से दोस्तों वो अल्फा न्यूमेरिक डेटा होता है। इसके बाद में हम दोस्तों बात करेंगे नेक्स्ट फैक्ट की। यहाँ पर लिखा हुआ है कि कंप्यूटर डेटा को मैनिपुलेट करता है, जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों, जब कंप्यूटर मैनिपुलेट करना मतलब होता है दोस्तों किसी चीज़ को व्यवस्थित करना। तो कंप्यूटर डेटा को क्या करता है, व्यवस्थित करता है और उसे प्रोसेस करता है, तो इसे क्या कहते हैं दोस्तों, प्रोसेसिंग। इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट फैक्ट है कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। तो किसे करता है, डेटा को करता है। तो डेटा जो होता है वह कंप्यूटर के कीबोर्ड माउस के द्वारा CPU में इनपुट किया जाता है और उसके बाद उसे इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित किया जाता है। तो इसके बाद में नेक्स्ट फैक्ट पे जाते हैं दोस्तों, यहाँ पर लिखा है डेटा कच्चे तथ्यों, रॉ फैक्ट का अर्थहीन निरूपण है, मतलब कि डेटा की कोई मीनिंग नहीं होती, लेकिन जब वो सूचना में बदला जाता है तो वो अर्थपूर्ण डेटा होता है जो CPU द्वारा प्रोसेस हो जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट फैक्ट है दोस्तों,
वे डिवाइस कौन सी है जो कंप्यूटर सिस्टम बनाती है जिन्हें आप छू और देख सकते हैं। तो दोस्तों वे सभी डिवाइसेस जो कंप्यूटर सिस्टम बनाती है और जिन्हें आप देख और छू सकते हैं वो हार्डवेयर कहलाती है। दोस्तों मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि कंप्यूटर के जितने भी फिजिकल पार्ट होते हैं वो सारे हार्डवेयर होते हैं, जैसे कि कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, स्कैनर, प्रिंटर, प्लॉटर, जॉयस्टिक, ट्रैकबॉल। तो दोस्तों ये जो हार्डवेयर जो होता है जितनी भी डिवाइसेस कंप्यूटर से जुड़ी होती है, कीबोर्ड, माउस, ये सभी पेरीफेरल डिवाइसेस कहलाती है। दोस्तों पेरीफेरल का मतलब होता है दोस्तों सहायक, पेरीफेरल का मतलब होता है दोस्तों सहायक। तो कंप्यूटर के जितने भी हार्डवेयर होते हैं ये सारी डिवाइसेस पेरीफेरल डिवाइसेस कहलाती है, क्योंकि ये कंप्यूटर की सहायक उपकरण होते हैं। इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट फैक्ट जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है दोस्तों कि कंप्यूटर के प्रयोग का लाभ यह है कि, तो कंप्यूटर का यह लाभ दिया है, कंप्यूटर तेज गणना करता है और इसमें विशाल मात्रा में डेटा को स्टोर किया जा सकता है। तो मैंने दोस्तों आपको कंप्यूटर की विशेषताएं बताया था कि कंप्यूटर बहुत ही स्पीडली वर्क करता है, बहुत ही तेज गति से कार्य करता है, नैनो सेकंड में गति करता है और MIPS में इसकी जो है कंप्यूटर की गति को मापा जाता है, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड, मतलब कि एक सेकंड में लाखों गणनाएं कर सकता है। इसके अलावा मैंने आपको बताया था दोस्तों कि एक नैनो सेकंड में 1/10^9 सेकंड होते हैं, मतलब कि एक सेकंड का 1 अरबवां हिस्सा, मतलब कंप्यूटर इतनी तेजी से कार्य करता है कि 1 सेकंड में 1 अरब गणनाएं कर सकता है। तो कंप्यूटर के प्रयोग का लाभ यह है कि वो स्पीडली कार्य करता है और विशाल मात्रा में डेटा का स्टोरेज करता है, क्योंकि वर्तमान समय में जो हार्ड डिस्क है वो बहुत अधिक क्षमता की है, 500 GB की हार्ड डिस्क, 1000 GB की हार्ड डिस्क आपने देखा होगा दोस्तों मार्केट में, बहुत अधिक ज़्यादा स्टोरेज कैपेसिटी की हार्ड डिस्क अवेलेबल है। इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट फैक्ट है बैंकिंग में ECS का क्या अर्थ है। तो वर्तमान समय में दोस्तों बैंकिंग का कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां पर बैंक में कंप्यूटर यूज़ नहीं होता होगा। तो दोस्तों यहां पे ECS का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस, इसको आपको बिल्कुल रट लेना है दोस्तों, क्योंकि ये बैंकिंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा आपने एक नाम सुना होगा दोस्तों, बैंकिंग में एक टर्म होती है EFT, इसका मतलब होता है दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। जब हम ऑनलाइन किसी के खाते में पैसा ट्रांसफ़र करते हैं तो इसे EFT कहा जाता है दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, इस भी फुल फॉर्म को आपको याद रखना है दोस्तों। इसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों, तो कंप्यूटर की विशेषता नहीं है, तो कंप्यूटर की ये लिमिटेशन है दोस्तों। तो कंप्यूटर की लिमिटेशन मैंने आपको बताया था दोस्तों नो माइंड का मतलब होता है दोस्तों कि कंप्यूटर के खुद की सोचने की क्षमता नहीं होती है, कंप्यूटर सिर्फ उतना ही सोचता है जितना कि सोचने के लिए उसमें प्रोग्राम डाले जाते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट है दोस्तों, कंप्यूटर के संदर्भ में IT का पूरा नाम क्या है। तो IT को आप का ही इससे परिचित होंगे दोस्तों, IT का मतलब होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया था। तो दोस्तों भारत में पहला कंप्यूटर जो है भारतीय सांख्यिकीय संस्थान कलकत्ता में स्थापित किया गया था। ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, इसको बिल्कुल रट कर जाना है आपको। इसके बाद में देश का प्रथम कंप्यूटर साक्षर जिला, तो ये दोस्तों MPPSC का क्वेश्चन है, ये मल्लपुरम केरल है दोस्तों। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट फैक्ट पर जाते हैं। नेक्स्ट फैक्ट है कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। तो कंप्यूटर साक्षरता दिवस जो है दोस्तों विश्व में 2 दिसंबर को मनाया जाता है, और भारत का जो पहला PC है दोस्तों, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि भारत में बनाया गया पहला PC कौन सा है। भारत में बनाया गया पहला पर्सनल कंप्यूटर का नाम है दोस्तों सिद्धार्थ। ये सिद्धार्थ जो नाम है दोस्तों, इससे आप बहुत ज़्यादा परिचित होंगे, भगवान बुद्ध के बचपन का नाम भी सिद्धार्थ था दोस्तों। इसके बाद में हम बात करते हैं नेक्स्ट फैक्ट की, कंप्यूटर साक्षरता का अर्थ। तो कंप्यूटर साक्षरता का अर्थ है दोस्तों कि कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज, कंप्यूटर के कार्य क्षमता की जानकारी रखना। इसके बाद में नेक्स्ट फैक्ट पे जाते हैं दोस्तों, इसमें लिखा हुआ है कि कंप्यूटर उपयोगकर्ता जो कंप्यूटर के विशेषज्ञ नहीं है परंतु वो कंप्यूटर का यूज़ करते हैं वो क्या कहलाते हैं। तो वो एंड यूज़र होते हैं दोस्तों, जैसे कि स्टूडेंट है जो कि ऑनलाइन फॉर्म भर रहा है, या कोई व्यक्ति है जो अपने खाते से पैसे निकाल रहा है कियोस्क बैंकिंग का, ये सभी एंड यूज़र्स होते हैं दोस्तों। इसके बाद में नेक्स्ट फैक्ट है कंप्यूटर तथा इंटरनेट का प्रयोग करने वाले तथा इससे वंचित लोगों के बीच का अंतर क्या कहलाता है, ये होता है दोस्तों डिजिटल डिवाइड। ये भी IBPS बैंकिंग का क्वेश्चन है दोस्तों, इसे भी बिल्कुल आपको याद कर लेना है। इसके बाद में लास्ट फैक्ट है दोस्तों कि कंप्यूटर आंकड़ों को परिवर्तित करता है, मतलब कि कंप्यूटर जो होता है वो क्या करता है, आंकड़ों को परिवर्तित करता है। तो किस चीज़ में परिवर्तित करता है, कंप्यूटर डेटा को इंफॉर्मेशन में बदलता है। तो दोस्तों इस चीज़ को समझने के लिए आप जो है चित्र के माध्यम से देख सकते हैं दोस्तों कि कंप्यूटर जो होता है वो आंकड़ों को क्या करता है दोस्तों, कि आंकड़ों को कंप्यूटर
आंकड़ों को क्या करता है, इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित करता है, डेटा को इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित करता है और सीपीयू के द्वारा उसे प्रोसेस किया जाता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में ये लास्ट फैक्ट भी आपका ख़त्म हो चुका है। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे वीडियो में अगर आपको और भी टॉपिक्स पढ़ना हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। दोस्तों मैं प्रवीण कुमार बागड़े ये वीडियो को आपके साथ साझा किया। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।